नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं मुझे सिल्क टीवी पर। मैं आज बातचीत में आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो प्रतिभावान है और बहु प्रतिभा के धनी हैं। वो अधिकारी होने के साथ साथ एक बहुत ही शानदार कवि हैं। मैं आपको मिलवाने वाला हूं भागलपुर के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू राय सर से। सर, सबसे पहले आपका सिल्क टीवी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। और चूंकि आप अधिकारी होने के साथ साथ जिला में आप अधिकारी हैं और इसके साथ साथ आप कविता भी लिखते हैं, बहुत शानदार लेखनी है आपकी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कोरोना पर जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। कोरोना दो महीने से पिछले दो महीने से पूरा देश परेशान है। मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना पर आपकी क्या राय है और चूंकि आप कवि हैं तो आप काव्य रूप में अपने राय को हमारे दर्शकों के सामने प्रकट करें। जी, ये तो एक विश्वव्यापी महामारी बन चुकी है, कोरोना महामारी है। हाथ मिलाने गले मिलने से इसको बड़ी आरी है। कोरोना महामारी है, हाथ मिलाने गले मिलने से इसको बड़ी आरी है। सारी दुनिया हो मुट्ठी में, सारी दुनिया हो मुट्ठी में, यह ड्रैगन की तैयारी है। देखिए, सारी दुनिया परेशान है, कोरोना से त्रस्त सभी, राजा हो या रंग के, निर्बल सबल में भेद न करता, मारे सभी को डंग के। किसी को बकसता नहीं है ये, कपट छल पर पंच से उपजा, मद लोभ मोह बन जग को सताया, चीन बुहान की देन कोरोना सारे जग में छाया, चीन बुहान की देन कोरोना सारे जग में छाया। सर, कविता में आपने बताया कि ड्रैगन की तैयारी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कविता के माध्यम से चीन को घेरे में ले रहे हैं, तो इस कोरोना वायरस के पीछे चीन की क्या मंशा हो सकती है? आखिर ये वायरस चीन क्यों ईजाद करेगा जो मानव के लिए खतरा हो? अब देखिए, ये समाज में या हम बड़े वाली जो प्रवृत्ति पनप गई है और पूरे समाज पर आदमी रूल करने को सोचता है और उसी मनसा ने उससे भारी पाप कराया है। हम ही बड़े और हम ही प्रतापी, हम ही बड़े और हम ही प्रतापी, मची चतुर्दिक आपाधापी, इसी लोभ और इसी अहंग में चीन बन गया भारी पापी। तो कहीं ना कहीं सर, आप कविता में आपने बताया कि अहंकार और बड़े बनने के कारण चीन ने ऐसी महामारी को ईजाद किया जो मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए खतरा है। बहुत बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी इसे चाइना वायरस कहके बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, पर चीन हमेशा इस बात से इनकार करते आया है। चीन का कहना है कि यह एक प्रकृति वायरस है, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इनकार तो हर नाजायज काम करने वाला इनकार करता है, उसे स्वीकार नहीं करता है। यह मानवीय प्रवृत्ति है, वैसा ही चीन भी कर रहा है। मुस्कान कुटिल और भीतर घाते, सोचो कितनी बुरी है बातें, मुस्कान कुटिल और भीतर घाते, सोचो कितनी बुरी है बातें, उठी अर्थियां निकले जनाजे, दिल को सब चुभ जाता है। कितना पतित हुआ है ड्रैगन, सौ पर भी मुस्काता है। ये उसका पतन और पूरे विश्व पर रूल करने के लिए, अधिपति बनने के लिए, ये अधिपति बनने के लिए इस अधिनायकत्व को उसने अपनाया है। दो राय नहीं, चाहे वो ट्रंप कहते हों या और कोई भी कहता हो, लेकिन चीन की ही देन है और उसी की गलत मंशा का यह परिणाम है। अगर इस महामारी को चीन ने ईजाद किया सर, फिर तो मानव समाज के लिए चीन एक खतरनाक संदेश दे रहा है। मानव समाज के हित में चीन नहीं है, जबकि मानव वहाँ भी रहते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि वह अहंकार में, लोभ में, वो मानवता को भूल चुका है और सारी दुनिया को, ऑल द वर्ल्ड शुड बी यूनाइटेड, और उसे कंडेम करना चाहिए, उसका तिरस्कार करना चाहिए। सारी दुनिया होकर एक, देती जो उसको धिक्कारे, कोरोना फिर कभी न आता, कोरोना फिर कभी न आता, होता बंद पाप व्यापार। वह कमर्शियल सुपर पावर बनने के लिए चीन ने ऐसा सब कुछ किया है और ये सारे जगत को, सारी दुनिया होकर एक, देती जो उसको धिक्कार, कोरोना फिर कभी न आता, होता बंद पाप व्यापार। कुछ चंद व्यापार के कारण या फिर कुछ ताकत के कारण यदि कोई मानव समाज का नरसंहार करने पर उतारू हो जाए
तो इस स्तर से गिरना चीन के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि चीन अपने स्तर से बहुत नीचे गिर गया है? बिल्कुल गिर गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अहंग का पुतला लोभ का भाई, अहंग का पुतला लोभ का भाई, चीनी पाप ने कहर है ढाई। ये सारे लोग विश्व के जत्र तत्र जो मर रहे हैं, जो परलोक सिधार रहे हैं, उसके पीछे चीनी पाप ही है। सर, कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जब से भारत में, खास करके भारत में जब से कोरोना वायरस ने अपना संक्रमण फैलाया है, अपना पांव जमाया है, तब से इस वायरस के ऊपर, इस महामारी के ऊपर बहुत ही जोर शोर से राजनीति हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, राजनीति पर उत्तर देना मेरा लाजमी नहीं लगता क्योंकि मैं अधिकारी हूँ। जी जी। लेकिन राजनीति के बीच में हम लोग हैं, अराजनीति हम लोगों के बीच में है, तो मैं बड़ी शालीनता से राजनीति की परिभाषा जो कवि रूप में मैं सोचता हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। राजनीति की अपनी भाषा, अलग ही उसकी दृष्टि है। राजनीति की अपनी भाषा, अलग ही उसकी दृष्टि है। नज़र ओट कुर्सी पर रहती, वह अलग खुदा की सृष्टि है। आगे मैं राजनीति के बारे में मैं क्या कहूँ। मेरा ये सबसे ये अपील सा रहेगा, निवेदन अनुरोध रहेगा कि इस संकट की घड़ी में हम सभी को एक होकर के खड़ा रहना चाहिए। और यह वक्त नहीं हम कमी निकालें, यह वक्त नहीं हम कमी निकालें, करें पक्ष विपक्ष की बातें, अगर हम सब मिल साथ न लड़े ना होगा तब कोरोना घाते। हमको एक साथ मिल करके इन तमाम चीज़ों पर एक लड़ाई लड़नी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश दें ताकि दर्शकों को इस महामारी के दौरान कुछ राहत मिले। देखिए, जब विपरीत परिस्थितियाँ आवें तो आदमी को धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परखिए चारी। तो मेरा इस पर कहना यह है, समय यदि प्रतिकूल रहे तो धीरज धर्म न छोड़ा करते, सब कुछ ठीक हो जाता है। मनोजोग से जब हम लड़ते, पूरे यूनाइट होकर के पूरे मनोजोग से यदि हम लड़ेंगे और अगर उसका हम पालन करेंगे, पालन क्या करना है, जो पालन हमें करना यह है, करूं निवेदन हाथ जोड़कर ले लो शंभु का प्रणाम, करूं निवेदन हाथ जोड़कर ले लो शंभु का प्रणाम। लोग कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, रिली कोई इलाज नहीं है, साइंस ने इस पर अभी कोई इजाद नहीं किया है इसकी कोई दवा। दूरी सामाजिक हाथ सफाई, कोरोना की यही दवाई, दूरी सामाजिक हाथ सफाई, कोरोना की यही दवाई, करो निवेदन हाथ जोड़ कर ले लो शंभु का प्रणाम, बात मेरी तू लेते मान, बात मेरी तू लेते मान। जय हिंद, जय भारत। सर, बहुत ही आपने जो कविता लिखी है और इस समय को देखते हुए जो आपने इसकी रचना की है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही शानदार कविता लिखी है आपने। और जिस तरीके से आपने बताया कि इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, कैसे इससे लड़ना चाहिए और किस प्रकार से हमें एकजुट होकर इस महामारी के दौरान, इस संकट के दौरान जंग जारी रखना चाहिए, आपने जो संदेश दिया, मुझे लगता है हमारे दर्शक इस बात को समझेंगे, आपके काव्य रूपी रचना को सराहेंगे। और अधिकारी होने के साथ साथ आप समाज के प्रति जितना प्रेम जैसा भाव दिखाते हैं, इस बात से आपके जितने भी दर्शक होंगे, हमारे जितने भी दर्शक हैं जो आपको देखेंगे, वो आपको जरूर बधाई देंगे। तो मैं सबसे अपने सारे दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि हमारे शो को देखते रहें, सिल्क टीवी पर बने रहें, या शो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।